जय भारत, सतनाम सत रविदास। सभी साध संगत से मेरा बहुत ही नम्र निवेदन है और मैं आप सभी से अधीन होकर कह रहा हूं, जहां भी आज हमारे पूजनीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सत रविदास जी महाराज का आप सभी गुणगान करते हैं। मैं ये मानता हूं कि समाज के लाखों लोग पड़े सो रहे होंगे शहर के अंदर, आप तो यहां मुश्किल से 200 ही आदमी पहुंचे हैं। मैं अनुमानित कर रहा हूं 200 लोग यहां पहुंचे हैं, हमारी महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी शिक्षित लोग और पढ़े लिखे लोग हैं। जनमंच चलता है, सभा के उपाध्यक्ष कोई भी आए, जनमंच पर जब कोई संत अपना उपदेश करता है दूसरे की बात को सुनने का अधिकार है। सर्वप्रथम हमारे दीवान जी रिटायरमेंट श्री सुलेखचंद जी ने हमको यहाँ पर आमंत्रित किया था, हम कुछ सुनने के आए थे, उसको हमने सुना है, इतना सुना है कि मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो मंच चलाते हैं आपस में विवाद ना करें। अभी तर्क के बात ऊपर आई लास्ट में कि तर्क नहीं, जब तक तर्क नहीं होगा किसी चीज का भी वस्तु का समाधान हो नहीं होगा। परम पूजने जगत के मालिक सत रविदास महाराज के सहम ने करोड़ों शब्दों का उच्चारण किया अपने श्री मुखारविंद से सत रविदास महाराज ने, उसके साथ में तर्क ही चलता रहा। सभा उसे कहते हैं, हर शब्द के तर्क का उत्तर होना चाहिए। सभा का काम है, हर प्राणी अपनी बात को जिंदा करना चाहता है। इस संसार के अंदर जितने मजलिक और धार्मिक लोग थे, ईसा से लेकर मुसलमान से लेकर हिंदू ईसाई परिषद तक, सभी परम पूजनीय जगत के मालिक सत रविदास महाराज ने हर तरह का उत्तर दिया है। तभी उन्हें अपने श्री मुखारविंद से करोड़ों शब्दों का उच्चारण करना पड़ा। अगर वो आज ना करते तो इस दुनिया के संत श्रोमणी ना कहलाते, वो इस दुनिया के जगत गुरु ना कहलाते, वो इस दुनिया के परम ज्योति ना कहलाते, वो इस दुनिया की अखंड ज्योति ना कहलाते। आप क्यों रोक रहे हैं, क्यों वाणियां बोलते हैं आप, नंबर क्यों लगाते हैं आप हर जगह पर? आपने वाणी कही है, कोई भी वाणी किसी ने कही, मीरा ने कही, महाराज रविदास जी ने कही, कभी ये विचार किया कि उन्होंने इस वाणी को आप बोलने क्यों कही, क्यों कही? महाराज कहते हैं, भजन बिन बावरे गुरु बिन बावरे तने हीरा सा जन्म कमा दिया। क्यों कहना पड़ा उसे, क्यों कहना पड़ा? अरे ये तो जान लो कहना क्यों पड़ा है। भजन बिन बावरे गुरु बिन बावरे तने हीरा सा जन्म गमा दिया, इसको तो हीरा कह रहा है मानो पुरुष को, वो तो परम ज्योति को मैं हीरा बता रहा है। क्यों लक्ष्य राशि योनि क्यू का तू स्वामी है इस भूमंडल पर, इस सृष्टि पर तू उसका मालिक है और इस पूरी सृष्टि का मालिक है। तीन लोग 14 भवन जहां तक खड़े हैं, अखंड सात दीप नौ खंड को बोल रहे हैं, उसका मालिक है और तुम्हें भी इस सृष्टि का मालिक बनाकर भेजा है। जो आप शासन कर रहे हैं वो इस्लाम धर्म, कोई हिंदू धर्म, कोई सिख धर्म, कोई किसी अपने धर्म और बुद्ध विवेक के द्वारा यहाँ शासन करते हैं, तू भी तो यहाँ का मालिक है। वो तो ये कह रहा है जिसकी गद्दी लगाई है, पूर्वजों ने कहा प्राणी वध मत कर, जीव तो ब्रह्म के समान है, कहीं रविदास पाप नहीं छूटते लाखों करोड़ दान। यहाँ तो सब धर्मों के लोगों ने मानना, तब संश्रम ने लिखा, कितने दुनिया के लोगों ने मान लिया हमको। अरे हम की एक साखी को तब मानते कि रविदास की साखी पर रुके आ सारा पूरा संसार, किसी भी जीव की हत्या ना करते पूरी दुनिया में, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो इस्लाम धर्म के लोग हो। इस्लाम धर्म पर लोग टिप्पणी करते हैं बहुत हत्या होती है, यहाँ तो दुनिया के साथ लेकर मुसर हिंदू धर्म तक सभी लोग हत्या करते हैं, कौन रुकेगा महाराज के समझ के ऊपर? भजन बिन बावरे गुरु बिन बावरे हीरा से जन्म लगा दिया, तू तो वो हीरा है कि जिसको किसी की चमक की आवश्यकता नहीं होती है। हीरे में स्वयं अपनी रोशनी होती है, वो किसी भी बैटरी से चार्ज नहीं किया जाता, किसी लाइट से किसी से को चार्ज नहीं किया जाता, आपको कोई चार्ज करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको माता पिता से ज्ञान होगा आप अंतर ध्यान करके बैठ जाइए, आप स्वयं चार्ज हो जाएंगे, स्वयं चार्ज हो जाएंगे। अगर आप ध्यान लगाकर बैठना शुरू कर दें तब आपको पता लगा कि प्रकाश कहां और मैं कौन और कहां जाता हूं। महाराज जी वहां बैठे थे, अभी नाम तो ध्यान नहीं है, वो सत्यानंद जी थे, दूसरे और थे नाथ जी, जीव के बारे में चर्चा आ रही थी, हम भी बाहर बैठे सुन रहे थे। इसको स्वयं पता लग जाएगा तू जीव है कि ब्रह्म, जब तक अज्ञान था तुम्हारे पास में
तो जीव है, जब ब्रह्म होता है तो ब्रह्म प्रकाश को कहते हैं। इसमें तो दो बात पूछने की है ही नहीं, टिप्पणी कितनी करनी तो करते चले जाए। जब आप गुरु के शिष्य, कोई भी प्राणी गुरु के पास चला जाता है, कोई भी गुरु होता है सृष्टि के अंदर, क्रियाशील कुछ भी क्रिया की जाती है, कर्म किया जाता है, जब वो क्रियाशील में आ जाता है, कर्म में आ जाता है, उसका गुरु होता है। और वो गुरु क्या होता है? उस कार्य का प्रकाश होता है। जब उस प्रकाश पर रुक जाता है, वो स्वयं इसकी इच्छा के रुकना चाहता है, नहीं चाहता है। इस पर तर्क और विषय क्या है? ये तो सब जानते हैं, और खासकर जो लोग शिक्षित और पढ़े लिखे तो सभी जानते हैं। झगड़ा किस बात का है? आप बात आ रही है शासन की, जब से आई की बात शासन की, वास्तविक बात है। जो अपनी हिस्ट्री को भूलता भाई साहब की बात का समर्थन है, जो अपने इतिहास को भूल जाता है, जो अपने इतिहास को भूल जाता है अपने पूर्वजों को भूल जाता है, और जो अपने पूर्वजों को भूल जाता है अपने इतिहास को भूल जाता है, और दुनिया के अंदर वो कभी भी शासन नहीं कर सकता। हमेशा उसका पतन होता रहता, पतन होता रहता, पतन होता रहता है। आप पूजा कहीं भी करें कर लें, लेकिन अपने महापुरुष को मत भूलें, अपने पूर्वजों को मत भूलें, तो आपका कल्याण होता चला जाए। तो मैं सतगुरु की प्यारी सात संगत अभी 5 मिनट आपसे कही थी, स्वयं आप हीरे हैं, ये महाराज जी का कथन। नहीं तो उस बैल की तरह मत हो, बै बै मर गया बैल की तरिया पर सो उठाया। बैल को जान, बैल तो जानवर है, किसान उसको चला लेता है और फिर हल में जोत देता है। हमारे माता पिता क्या काम करते थे? जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा वो किसान का हल चलाते थे। शाम को थक जाते थे, लेट जाते, सुबह सड़क में फिर चल देते थे। भाई जी ने भी कहा ना, 50 साल पुरानी बात जानता है, क्योंकि मेरी साल 69 साल की उम्र है। ऐसे ऐसे जो है ना, उसको ऊद फेरते थे और रात को बाजार घूमते थे। उन्होंने हमारे साथ कितनी मेहनत की, हमारे माता पिता। तुम क्या मेहनत करना चाहते हो? तुम्हारे तुम्हारा उत्तरदायित्व है, अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें 2 मकान दिए, 5 बिस्से जमीन के दिए, तो आप 10 बिस्से जमीन के दीजिए अपने बच्चों को, और 4-4 मकान बना के दीजिए, तो माता पिता ने अपना उत्तरदायित्व पूरा करा। अगर उस काम को आप करते नहीं तो आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं। अगर आपका कारोबार छोटा है तो अपने बच्चों को बड़ा कारोबार कराइए। आप तो सारे बिजनेसमैन हो, बताओ कौन आदमी है जिसके पास बिजनेस नहीं है? सर्वप्रथम हमारा शरीर संपूर्ण होना चाहिए। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो जितने लोग आवाज सुन लेना, जिसके पास धन नहीं उसके पास धन आ जाएगा। सिर्फ 1 साल मजदूरी कर लो, मिनिमम जो उसको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, 50,000 उसमें से 50,000 था लो। हमारे बच्चे जो कहते हैं ना बेरोजगार है, और 50,000 रुपए में ठेली पर रख के कहीं भी सामान बेच लो, सिर्फ 1 साल की मेहनत है, और वो लड़का बनिया बन जाएगा। आवाज सुनने जहां तक जा रही, वो क्या बन जाएगा? बनिया। 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी उसे। 1 लाख आगे 50 खा लो, 50 बचा लो, जूस की ठेली लगा लो, 50,000 का कपड़ा धर के बेच लो, कच्चे बनियान भर के बेच लो। जब आप अपने व्यापार में चले जाओगे तो आप तो सारे ही बनिया हो जाओगे। अरे व्यापार को अपने काम सीखो, पर इन्हें तो घर का खाना ही नहीं, बापू ने खाना रखा बेटा जो खा रहा वहां लग रहा। भाई कोई यहाँ कमी नहीं है, कमारी हमारे सिर्फ इस खोपड़े की है, हमारी इस बुद्धि की कमी है। कोई यहाँ बेरोजगार नहीं है, मजदूरी जो नौजवान आदमी यहाँ सुन रहा है वो 1 साल से ज्यादा मजदूरी ना करे, 1 साल से ज्यादा मजदूरी ना करे, और 1 साल मजदूरी करके 50,000 रुपए अपना व्यापार शुरू करे। मैं आपसे यही संदेश देना चाहता हूँ, जो मैंने आप लोगों से सीखा है, जो समाज के बीच में सीखा है, वो आपको मैंने कह दिया है। मेरा कुछ नहीं था, ये महापुरुषों का कथन था, और उसका अनुभव करके मैंने बोल दिया। और ये सत रविदास महाराज की, सत रविदास महाराज की जय भीम भारत, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत, सतनाम सत रविदास। देखिए कर्म तो हमें